हेलो गाइज, वेलकम टू लर्न स्टॉक मार्केट चैनल। इस चैनल के ऊपर गाइज आपको हर रोज की स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट से जुड़ी वो आपको हर रोज की टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के दिन की मैं बात करूँ तो निफ्टी फिफ्टी ने फिर से आज के दिन ऑल टाइम हाई लगाया है। सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो सेंसेक्स के अंदर भी फिर से आज ओ में ऑल टाइम हाई लगते हुए हमें देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग की हम बात करें तो 24,800 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी फिफ्टी में, और सेंसेक्स के अंदर भी बात करूँ तो 81,000 से ऊपर क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज के दिन इतनी अच्छी तेज़ी होने के बावजूद भी रेलवे के और डिफेंस के जो स्टॉक है उनमें भारी मात्रा में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, इतनी अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मैं बात करूँ रेलटेक की तो रेलटेक के अंदर कितना 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। RBL के अंदर 5.5% की गिरावट, फिर IRFC की मैं बात करूँ तो उनमें 3% की गिरावट, थीटाकेयर के अंदर 6% की गिरावट, और डिफेंस का जो स्टॉक है उनमें भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। HL के अंदर 6% की गिरावट, फिर आप देख सकते हो मैं बात करूँ तो भारत इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो 4% की गिरावट, भारत डायनामिक के अंदर 3.5% की गिरावट, कोचिन CBRT के अंदर 4.5% की गिरावट, पावर डिफेंस के अंदर भी बात करूँ तो लगभग कितना 2.5% की गिरावट, और डेटा पैटर्न की बात करूँ तो 4% की गिरावट। तो मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो जो रेलवे के और डिफेंस के जो स्टॉक है वो इतनी अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब मैं बात करूँ तो अभी आगे आने वाले टाइम में भी क्या होने वाला है, बजट आने वाला है 23 जुलाई। कब? 23 जुलाई के दिन बजट आने वाला है। तो मतलब इतनी ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो मतलब इसके पीछे के रीज़न और दूसरा कुछ नहीं, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हर जगह आपके आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा कि आज के दिन जो रेलवे के जो स्टॉक गिरे, डिफेंस के जो स्टॉक गिरे, उनमें और कुछ नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ टाइम में जो रेलवे के जो स्टॉक है, डिफेंस के जो स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब इतने भागते हुए मैं देखने को मिल रहे हैं। पिछले में बात करूँ RBL के अंदर तो एक साल के अंदर लगभग कितना है, करीब 400% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 388%। और IRFC की बात करूँ तो 500% का रिटर्न पिछले एक साल में। तो गाय इतना ज़्यादा जो स्टॉक भागेंगे तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मैं देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इतने ज़्यादा जो स्टॉक है वो पिछले कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा भागते हुए मैं देखने को मिल रहा है। तो मतलब और कुछ नहीं, आज के दिन के जो स्टॉक गिरे रेलवे के और डिफेंस के, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के दिन का जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।